हरदोई जिले में पुलिस मुख्यालय को एक कैदी वाहन उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वाहन कैदियों को लाने ले जाने का काम करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैदी वाहन जनपद में को भेजा गया है, जिसमें स्वाइप के साथ ही थंब से गेट खुलेगा और ड्राइवर व गार्ड से संपर्क के लिए इंटरकॉम का सिस्टम है। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए अलार्म दिया गया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वाहन पुलिस मुख्यालय से जनपद को प्राप्त हुआ है, जिसमें कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था के कई इंतजाम होंगे। ये अत्याधुनिक प्रिजन वैन जनपद को प्राप्त हुई है। जैसा कि अभी देखा गया है, इसमें विभिन्न नए तरीके की सुविधाएं हैं, जिससे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जा सके। ड्राइवर और पीछे गार्ड से बात करने के लिए इंटरकॉम का सिस्टम है। जो पीछे कैदियों के बैठने का स्थान है, उसमें गेट बंद करने और खोलने का सिस्टम स्वाइप कार्ड के द्वारा व थंब इंप्रेशन से है। जो गार्ड पीछे बैठेगा उसको इमरजेंसी अलार्म बटन भी है उसके पास दबाने के लिए। इसके अतिरिक्त जो इसकी फंक्शनिंग है वो BS6 स्टैंडर्ड की है इस वाहन की। इस प्रकार ये अत्याधुनिक वाहन है। हरदोई में सुदखोरों से परेशान युवक के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने अब 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि पत्रकारों ने पीड़ित परिवार की समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और साहूकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में क्षेत्र के हरदेवगंज के रहने वाले राजीव गुप्ता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हमारे बेटे के सूदखोरों ने हमारे बेटे की हत्या कर दी। पहले पैसा ब्याज पे देके और उस पर कम से कम 10 गुना पैसा ले चुके थे और उसको इतना पराजित करते थे कि पैसे के लिए कि पैसा हमको दो नहीं वरना तुमको मार डालेंगे। एक बार उसको मार भी चुके थे। केवल इसके जिम्मेदार ये जो इसमें 4 लोग थे और ये 4 लोगों में सबसे पहले अतुल गुप्ता तिरुपत होटल के मालिक हैं, वो उसको बहुत पीड़ित करते थे, बहुत परेशान करते थे, उसको गाली भी दिया करते थे, मारते भी थे, कहते थे हम तुमको मार डालेंगे, हमको पैसा दो आके, और उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसा ले चुके कि उसने आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। 4 लोगों ने हमारे लड़के की हत्या की है।